अभी 7000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और जब मैं 1000 फुट नीचे उतरता हूँ तब तापमान 3.5 डिग्री बढ़ जाता है। मेरी बोतल भी खाली हो गई और मुझे सांस लेने लायक हवा भी नहीं मिल रही है, मगर मुझे सामने रोशनी दिख रही है और मुझे अभी वहीं तक जाना है। पहले तो मैं इसकी गहराई का अंदाजा लगाने जा रहा हूँ, इसके बाद ही आगे की सोचूंगा। इस तरह की जगहों से नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि हमें नीचे झुककर ये देखना पड़ता है कि रास्ता कहाँ है और पैर कहाँ जमाने हैं। सूरज की रोशनी का मतलब है कि वहां से बाहर जाने का रास्ता है, अब मुझे वहां तक पहुंचना होगा। बहुत खूब, हम गुफा से बाहर आ गए। मुझे हवा महसूस हो रही है। ये तो काफी बड़ा टेरेंटुला है, बड़ा है ये। अगर आपने इसे पकड़ने की कोशिश की तो आपकी अकल ठिकाने ला देगा। मैं करीब 40 किलोमीटर दूर तक देख रहा हूं और मुझे कोई इंसानी गतिविधि नहीं दिख रही। इसके अलावा इन जंगलों में जगुआरों की आबादी भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। अपनी आंखें खुली रखें और दिमाग चौकन्ना। थोड़े आराम के बाद मैं फिर से जंगल की अंधेरी और गीली जमीन पर आ गया हूं। अब उस ओर जाने की कोशिश करता हूं। यहां से तो इसका तल भी नहीं दिख रहा है। काफी समय से इस कुएं का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां का तापमान भी करीब 1 डिग्री कम हो गया है, काफी राहत मिली है। मुझे लहरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है।